ये स्कूल है जो ये स्कूल कागजों में बना भी हुआ है और यहाँ पर हेडमास्टर भी है और यहाँ पर टीचर्स की तनख्वाहें भी जा रही हैं। स्कूल की हालत आप लोग देख लीजिए। सिंध की तरक्की का यूं बोलता सबूत जो आज जमात लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही है, ये आपको ये बताना चाह रही हूँ। ये स्कूल है, आज मैं एक गाँव में आई हूँ, गोठ धनी बस संजरानी। तो ये स्कूल है जो ये स्कूल कागजों में बना भी हुआ है और यहाँ पर हेडमास्टर भी है और यहाँ पर टीचर्स की तनख्वाहें भी जा रही हैं। स्कूल की हालत आप लोग देख लीजिए। ये अगर सिंध क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसी तरक्की चाहते हैं तो फिर अपने वोट का फैसला कर लें। ये स्कूल देख लीजिए। ये स्कूल है जो ये स्कूल कागजों में बना भी हुआ है और यहाँ पर हेडमास्टर भी है और यहाँ पर टीचर्स की तनख्वाहें भी जा रही हैं। स्कूल की हालत आप लोग देख लीजिए। सिंध की तरक्की का यूं बोलता सबूत जो आज जमात लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही है, ये आपको ये बताना चाह रही हूँ। ये स्कूल है, आज मैं एक गांव में आई हूँ, गोठ धनी बस संजरानी। तो ये स्कूल है जो ये स्कूल कागजों में बना भी हुआ है और यहाँ पर हेडमास्टर भी है और यहाँ पर टीचर्स की तनख्वाहें भी जा रही हैं। स्कूल की हालत आप लोग देख लीजिए। ये अगर सिंध क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसी तरक्की चाहते हैं तो फिर अपने वोट का फैसला कर लें। ये स्कूल देख लीजिए।